दोस्तों देख सकते हैं यही मंदिर है और अभी आ चुके हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों, फ्रंट के लास्ट संभव नहीं है, बट हमारे पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर जो है। काफ़ी धूप लग रहा है सामने से दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ और निकल रहा हूँ यथुर्वेद मंदिर के लिए, जो कि हमारे अपने शहर बनारस में स्थित है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। तो वीडियो में जो भी होगा सब कुछ बताएंगे और ये मेरा वादा है आप लोगों से कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप पक्का जो है उस मंदिर का दर्शन करना चाहोगे। और वो ऐसा मंदिर है दोस्तों जिसमें किसी भगवान की मूर्ति ही नहीं है, ऐसा मंदिर बना हुआ है। तो चलिए ये वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं उस मंदिर को और ज़रूर देखने के बाद अगर आपका मन करे तो जरूर आप घूमने। तो दोस्तों देख सकते हैं बस अब हम लोग कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। और अब जब आप यहां से दोस्तों गुजरिए तो ये रोड के साइड में टेडी बियर बिक रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर खरीदिए दोस्तों, क्योंकि ये भी गरीब लोग हैं, अगर आप ख़रीदेंगे तो इनका भी परिवार का भला हो जाएगा। और बस ये सामने देख रहे हैं दोस्तों, सामने गेट दिखाई दे रहा है, तो अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो हम लोग कुछ ही पलों में बस पहुंच जाएंगे। और सामने जो गेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, बस वहीं से मंदिर स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो स्किप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर आप सभी को दिखाते हैं, पहले पहुंच जाएं गेट। तो ये रास्ता जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आशापुर से आता है और ये जो रास्ता है गाजीपुर को निकल जाता है। जब आप आशापुर से आएँगे तो ये गाजीपुर के लिए रोड निकलता है जो सीधे जा रहा है। ये गाजीपुर हाईवे है दोस्तों और ये सीधे जो है देख रहे हैं आप, ये सीधे गाजीपुर को निकल जाएगा आशापुर से होते हुए। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये सब जो है मतलब श्रद्धालु हैं वही, जो देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे, इस मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे दोस्तों। तो देख ही रहे हैं सब लोग, और मतलब जो घूम लिए हैं यहाँ से, अब लोग जा रहे हैं अपने घर को, निकल रहे हैं सभी लोग दर्शन करने के बाद, जो है उद्घाटन होने के बाद ये सब लोग अपने घर को निकल रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं वीडियो में, और चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे देखते रहिए। अभी तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, अभी इसके आगे तो भी और बहुत कुछ इसमें देखना बाकी है। इधर देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों ये वही पत्थर है जो मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये देखिए दोस्तों, शताब्दी समारंभ महोत्सव, और ये वही मंदिर है दोस्तों। तो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और ये देखिए सभी लोग जो है यहाँ से मंदिर का दर्शन करके सभी लोग जा रहे थे। और ये रहा दोस्तों मंदिर का फर्स्ट गेट, गेट नंबर एक, जिससे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, और मेरे पीछे देख सकते हैं टूरिस्ट भी आए हुए हैं जो कि अदर कंट्री से आए हुए हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सभी लोग मंदिर का दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं कितना भीड़ है और कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब वीडियो को देखकर ही आप सभी को पता लग रहा होगा।
कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे बनारस से बाहर के लोग हैं और मतलब काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, क्योंकि हमने कई लोगों से मतलब बात किया तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ से आए हैं। मतलब यहाँ पे हमारे हर राज्य से लोग चल के यहाँ पे आए हुए हैं दोस्तों। तो आप भी यहाँ पे एक बार ज़रूर आइए दर्शन, और देखिए क्या गजब का नज़ारा है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है जो, और ये देखिए भैया आए हैं, इनको एक फ़ोटो खिंचवाना है तो मेरे इस फ़ोटो के लिए बोलेंगे, तो मैं इनका फ़ोटो खींचने वाला हूँ दोस्तों। और ये मैडम है, इनका भी फ़ोटो खींचना था तो ये भी मेरे से बोली थी कि मेरा फ़ोटो खींच दीजिए, तो मैं इनका फ़ोटो खींच रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं वीडियो में। और काफ़ी खुश थी मतलब इनका जब मैंने फ़ोटो खींच लिया तो। दोस्तों देख सकते हैं यही मंदिर है, और अभी हम आ चुके हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों, फ्रंट के अलावा संभव नहीं है। बट हमारे पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर जो है। काफ़ी धूप लग रहा है सामने से दोस्तों, कि यहाँ पे भीड़ मैं आपको बैक कैमरे से ही दिखाता हूँ, आप लोग देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये मंदिर का पूरा गोडाउन है, जो भी एरिया है बाहरी का, अभी बन रहा है दोस्तों, काम लगा हुआ है, चल रहा है काम। और इधर देखिए जो भी दूर से जो भी देखने के लिए लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और प्रवासी जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो देखिए घूम रहे हैं इधर। इधर देखिए फूल वगैरह सब लगा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों झरना बना हुआ है, जिससे कि पानी निकल रहा था, तो जब हम आए थे तो यहाँ से बंद हो गया था, इसके वजह से हम नहीं देख पाए और वीडियो में नहीं दिखा सकते। लेकिन ये दोस्तों शाम को चालू हो जाता है, मतलब दिन में बंद रहेगा और शाम को चलेगा। और ये देखिए दोस्तों कितना जो है, दोस्तों देखिए जो भी हो मतलब इस मंदिर का जो है हम वीडियो में नहीं बता सकते, जितना मतलब जो रियल में यहाँ पे है, आने के बाद आप देखेंगे ना वो चीज़, मेरे बताने से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए, एक बार घूमिए, घूमने के बाद आप खुद रियलाइज करिएगा कि मतलब कैसा है, क्योंकि जो आसमान के नीचे बना हुआ जो मंदिर है ना। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं जूते निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है जूता बिना निकाल के अंदर तो जा नहीं सकते, तो जूते यहाँ ज़रूर निकाल दें आप जब भी आइए, यहाँ जूते ज़रूर निकाल दीजिए। और जूते निकालने के बाद देखिए दोस्तों मैं कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि अपना इंडिया है ना बहुत आगे है, तो इसके वजह से जूते मैं अभी कुछ देर में उठा के साइड में चुराने वाला हूँ अंदर डाल के। तो ये देखिए एक छोटी सी बच्ची थी, बैठी थी, मैं इससे बात भी किया था कुछ देर, मेरे से बात भी की, लेकिन उसको मैं वीडियो में नहीं लिया, काट दिया था दोस्तों। बहुत अच्छी लड़की थी, बात कर रही थी। और ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग मंदिर में एंट्री करने वाले हैं कुछ पलों में। जब आप दोस्तों सामने से आकर जब इस मंदिर को आप देखोगे ना, लगेगा वाह क्या मंदिर बना हुआ है अंदर। ये इसकी दीवारें, ये देखिए कितना खूबसूरत जो है मोर का बना हुआ है चित्र जो है बना हुआ उसका, कितना अच्छे से कारीगर ने काट कर बनाया हुआ है, कितना खूबसूरत तरीके से। और ये खम्भे जो आप देख रहे हैं, इतने मोटे मोटे खम्भे, बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पे आइए आप और अंदर जाइए, अंदर देखिए कितना, अभी तो दोस्तों देखिए अब हम लोग अभी तो मेन सीन चालू होने वाला, देखिए अभी दोस्तों देखिए क्या नज़ारा है। अपन जितना ही आप अंदर जाते जाओगे, आप लोगों को एक से एक अजब अजब चीज़ें देखने को मिलेगी इस वीडियो में। ये देखिए सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। और ये देखिए दोस्त जो सामने देख रहे हैं, ये लिफ्ट है, इससे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो इस तो सागवान की लकड़ी से बनी हुई है, और इसमें फ़ोटो वगैरह लगा हुआ है, फ्रेम वगैरह। और ये देखिए साधु हैं जो कि यज्ञ वगैरह कर रहे हैं। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये लकड़ी जो है फ्रेम, ये लकड़ी जो आप देख रहे हैं ये सागवान की लकड़ी है। और ये देख रहे हैं दोस्तों, ये झूमर लगा हुआ है, वाइट कलर का झूमर लगा हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा था जब मैं यहाँ पे गया था देखने के लिए, वाह क्या मतलब अजब का नज़ारा है दोस्तों। आप यहाँ आइए, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। जब आप यहाँ सामने से देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ विकास भाई आपने क्या दिखा दिया, तो ऐसे ही नहीं मजा आएगा दोस्तों, वीडियो में आकर देखिए खुद। और यही वही है जो महंत हैं जिनका ये लगा हुआ है।
जितना भीड़ भाड़ ये देखिए क्या खूबसूरत झूमर दोस्तों देख रहे हैं आप। मैं तो अपने लाइफ में पहली बार देखा था दोस्तों इतना खूबसूरत झूमर। और ये कुछ साइड में तस्वीरें बनी हुई हैं दोस्तों, चित्र बना हुआ है, तरह तरह के डिजाइन के चित्र बने हुए हैं। तो आप यहाँ आइएगा तो खुद अपने हाथों से देखिएगा, अपने आँखों से देखिएगा खुद और महसूस करिएगा कि कैसा है। और हर जो है उसके जो चित्र बना हुआ है उसके हर बगल में कुछ ना कुछ लिखा था दोस्तों। तो मैं एक दो तो पढ़ा था लेकिन ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन आप जब आइए तो यहाँ पर ज़रूर पढ़िए इस पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये उसके बारे में बताया गया है कि चित्र कब बना था, किसके याद में बनाया गया था और कि कैसे बना हुआ था, सब उस पर लिखा हुआ है। तो मैं ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाया दोस्तों, लेकिन ये एक मैं इस वीडियो को स्किप करके आप देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे, काफ़ी भीड़ था दोस्तों, तो देख सकते हैं ये, और अच्छा नज़ारा था दोस्तों। अभी मैं मंदिर में हूँ और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे एक बार आओगे तो हमेशा याद रखोगे कि वाह क्या मंदिर बना हुआ है। मैं कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, गजब का मंदिर बना हुआ है। यहाँ आने के बाद आपको जाने का मन ही नहीं करेगा, इतना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा मंदिर है दोस्तों। और चलिए दोस्तों मैं इस मंदिर के बारे में आप सभी को कुछ बताता हूँ, जो कि रहस्यमय बातें हैं जो आप सभी को नहीं पता होगा। तो चलिए मैं आपको विस्तार से एक करके बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों इस मंदिर को बनाने में करीब करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। और यह मंदिर जो है हमारे बनारस, हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित है दोस्तों। यह मंदिर 4000 वर्ग फीट में बना हुआ है दोस्तों। और इस मंदिर को दोस्तों जैसे मतलब 2004 में काम स्टार्ट हुआ था दोस्तों, करीब करीब 20 साल हो गए इसको, मतलब बनते हुए 20 साल लग गए दोस्तों बनने में। ये 20 साल में जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है। जैसा कि दोस्तों यहाँ दीवार पर कुछ लिखा हुआ था तो आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से वीडियो को स्किप करके जिसको आप रीड कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं सारा रीड कर सकूं। लेकिन आप वीडियो को स्किप करके आप देख लीजिएगा और अपने तरीके से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर जाइएगा दोस्तों तो टाइम निकाल कर आप जाइएगा, जो है आप मतलब 3 से 4 घंटे का टाइम लेकर आप यहाँ पर जाइएगा। क्योंकि जब आप यहाँ पर जाएँगे तो 7th फ्लोर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप एक ये दादी जी हैं कोलकाता से आई थी और इनका मैं वीडियो बनाया हूँ, तो इनके जो रिलेटिव हैं वो चाह रहे थे कि मतलब इनको वीडियो में देखें। अच्छा। तो मैं इनको अपने वीडियो में लेकर इनको मैं लिंक भेज दूंगा, तो उस माध्यम से आप देख ये लोग देख लेंगे। तो इतना ही, और इनका आशीर्वाद है मेरे सर पे, आप हाथ रखकर मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि इन्होंने मुझे पहले भी आशीर्वाद दिया हुआ था और अभी भी दे रही हैं कि मेरा वीडियो वायरल हो, आगे बढ़े। जब ऐसे ऐसे लोगों से दोस्तों मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है।
मतलब ऐसा लगता है कि आज मतलब वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा लगता है, बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं। और अभी तक तो मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे सपोर्ट ना करे, जो कि जो भी मिलता है तो बोलता है दोस्त आप वीडियो शूट कर रहे हो, मेरे को भी वीडियो में ले लो, या फिर मतलब मेरे को भी दिखाओ, या फिर कौन सा आपका चैनल है। मतलब हर लोग पूछते रहते हैं वीडियो में अक्सर करके कि आपका चैनल कौन सा है, आपका चैनल कौन सा है, आप वीडियो बनाते हो। बीच में दो तीन पुलिस वाले भी मिले थे तो वो भी पूछ रहे थे मेरे को रोक के कि भाई आप क्या करते हो, तो हम बताए कि हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो बोले अच्छा, तो उन्होंने मेरे को जाने दिया। और ये देखिए दोस्तों कितना भीड़ है, जो मतलब आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा था कि 25 लाख लोग आए हुए हैं मंदिर को देखने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इतना जल्दी तो भीड़ ख़त्म होने वाला है नहीं, टाइम तो लगेगा ये भीड़ ख़त्म होने में। क्योंकि इतना खूबसूरत मंदिर है तो थोड़ा भीड़ तो लगना है, जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि 100 करोड़ रुपए खर्च होना बहुत बड़ी बात है। तो और दोस्तों ये मतलब एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि मतलब काफ़ी खूबसूरत भी है और काफ़ी बड़ा भी है, अपने इंडिया के लिए नहीं है, मतलब ये दूसरे नंबर पे, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे इसका स्थान है। तो जाहिर सी बात है भीड़ तो लगना ही है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों पीछे का जो है मतलब बाहरी साइड का दिखा रहा हूँ आप सभी को, तो बाहर का भी देखिए, वीडियो का मज़ा लीजिए। अभी दोस्तों ये बन रहा है, अभी बना नहीं है, अभी पूरा बन रहा है, अच्छे तरीके से अभी हुआ नहीं है काम, फिलहाल तो उद्घाटन हो गया लेकिन अभी ये बना नहीं है पूरा, अभी बन रहा है, काम लगा हुआ है, काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है दोस्तों, काम हो रहा है इसमें, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो फर्स्ट फ्लोर खुला हुआ, अभी तो 6th फ्लोर जो है बाकी है खुलने को। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, देखते रहिए, मज़े लीजिए, हर चीज़ दिखाएंगे। अब जिनके पास समय नहीं है जाके देखने का तो वो मेरे वीडियो के माध्यम से ही देख लें, और जिनके पास टाइम है वो तो जाकर देख ही लेंगे। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं बताया हूँ कहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, आप कैसे पहुँचेंगे, इसमें मैं सब कुछ बताया हूँ, मेंशन किया हूँ, तो वीडियो को लास्ट में आप देख लीजिएगा दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सब कुछ बताया हूँ कि आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, आप यहाँ पे कैसे आएंगे, कैसे आना है, किस माध्यम से आना है, ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, जैसे भी आप आना चाहें यहाँ पे आ सकते हैं, सब चीज़ का मैं सुविधा बताया हूँ दोस्तों। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ पर आने का हर साधन मैं बताया हूँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट में देखिएगा, मैं सब कुछ बताया हूँ कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कब आएंगे, कब आपको आना चाहिए, कितने बजे आना चाहिए, सब कुछ बताया हूँ दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट में आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों बाहरी का नज़ारा है, जो कि मतलब मंदिर के बाहर बाहर ऐसे आप घूम सकते हैं, तो उसके लिए मैं सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो भी बना लिया जाए, जिससे कि आप सभी को मदद मिलेगा, आप लोग अच्छे से मंदिर को देख पाएंगे, कवर कर पाएंगे, क्योंकि सबके पास तो यहाँ पे आने का टाइम नहीं है, मुझे पता है इसमें जो वीडियो देख रहे हैं तो इसमें सब थोड़ी आ पाएंगे, तो जो आ पाएंगे उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए सही नहीं है, तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं दिखा। तो दोस्तों अब जो नज़ारा आप देखने जा रहे हैं ये मंदिर के बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, और यहाँ देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत खूबसूरत जो है हाथियों का चित्र बनाया हुआ है, उनके बच्चे का चित्र बनाया हुआ है। और दोस्तों ये फुहारा है जिससे पानी निकलता है, तो रात में यहाँ पे जब आएगा, चलिए मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों इसका, रात का सीन का वीडियो बनाऊंगा, और बहुत जल्द इसका जो है रात में मैं इसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। ये तो फिलहाल दिन का है, देख सकते हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत जो है हाथियों का चित्र बना हुआ है, तो आप यहाँ पर ज़रूर एक बार आइए दोस्तों और यहाँ पर घूमिए, देखिए कि बहुत खूबसूरत मंदिर है। और ऐसे ही मेरे वीडियो को तो दोस्तों वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर ऐसे ऐसे आपको वीडियो देखना है और कहीं का आपको और वीडियो देखना है दोस्तों, तो मेरे वीडियो में आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ विकास भाई आप यहाँ का वीडियो दिखाइए, तो वहाँ का मैं वीडियो भी आप सभी को दिखा पाऊँगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि मुझे यहाँ का वीडियो देखना है,
तो जल्द ही मेरे चैनल पर वहाँ का वीडियो आ जाएगा, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का जब मैंने 100 लाइक का टारगेट रखा है, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक भी वीडियो को ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं आप नज़ारा दोस्तों, ये मंदिर के नीचे का नज़ारा है। अभी मैं पीछे उसके तरफ घूम रहा हूँ, तो ये नीचे फ्लोर का नज़ारा जो आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो देख पा रहे हैं आप, ये नीचे का नज़ारा है। और नीचे भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा कितना खूबसूरत तरीके से, खुद ही देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कितना खूबसूरत बना हुआ है। और ये देखिए इधर इतने सारे फुहारे लगे हुए हैं, सोचिए जब ये पानी निकलेगा तो कितना मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आने वाला है जब यहाँ पे लाइटें वगैरह जलेंगी और जब ये फुहारे चलेंगे, तो फिर और भी खूबसूरत लगेगा देखने में, और ही मस्त नज़ारा लगेगा देखने में। अभी मंदिर के बाहर बाहर घूम रहे हैं पीछे पीछे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों यहाँ पे जाके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को खुद पर्सनली जो मैं बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जाहिर सी बात है आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। तो देखते रहिए दोस्तों, यहाँ पे एक दीदी थी जो कि बड़ी ध्यान से देख रही थी कि भैया वीडियो कर रहे हैं, सोच रही थी कि मैं भी वीडियो में आऊँ, लेकिन मैंने उनका सीन ही नहीं लिया था। काफ़ी भीड़ था दोस्तों यहाँ पे, बहुत ही भीड़ था। मैं तो गया था, काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ था यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का मज़ा लीजिए, देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, एक कमाल का चीज़ दिखाते हैं। जो भैया हैं, ये लोग बैठे हैं या यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी बना रहे हैं दोस्तों। तो यदि आप लोगों का फ़ोटो खिंचवाने का मन हो, तो यहाँ से आप इनको 20 रुपये या 30 रुपये दे के आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और ये तुरंत फ़ोटो भी बना कर दे देते हैं। और मैं इनके पास गया था दोस्तों, इनसे बात किया था, तो ये बोल रहे थे भैया आप ब्लॉगर हैं तो आप 20 रुपये दे दीजिएगा, चलिए आपका फ़ोटो खींच देते हैं। तो हमने कहा नहीं भाई, सबके लिए रेट जो है वही करो। तो मैंने भी एक फ़ोटो खिंचवाया था दोस्तों, और आप भी यहाँ जरूर। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं, अब चलिए मैं आपको यहाँ आने का रास्ता बताता हूँ कि
कि आपको किस तरह से यहाँ पहुँचना है, किस तरह से आना है, कैसे आप आएंगे, कब आप आएंगे, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों कि जैसा यहाँ पे जब भी आप घूमने आइए, मंदिर का नाम सर्वेद मंदिर है, तो जब भी आप यहाँ पे आइए घूमने के लिए, तो आपको आना है मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम मतलब 10 बजे, 10 बजे तक आप यहाँ आ जाइए। और दूसरी बात दोस्तों, यदि आप बनारस से हैं तब तो कोई बात नहीं, आप तो कभी भी आके घूम सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त जितने भी वीडियो देख रहे हैं और जो बाहर से हैं, जितना कोई बिहार से है, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है और कोई मध्य प्रदेश से, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं कहीं से भी दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप ट्रेन पकड़िए और बनारस के लिए ट्रेन पकड़िए, कैंट रेलवे स्टेशन के लिए। तो आप बनारस उतरिए, फिर वहाँ से आप ऑटो लीजिए। ऑटो का किराया जो है 30 रुपये है, 30 रुपये किराया ऑटो का है। तो आप वहाँ से ऑटो लीजिए, कहाँ के लिए, आशापुर के लिए ऑटो लीजिए। आशापुर जब आप आइएगा तो वहाँ पे उतरिए, फिर वहाँ से आप ऑटो चेंज करिए। वहाँ से आपको चेंज करना है उमराहा के लिए, उमराहा बाज़ार, उसका जो किराया 10 रुपये है और ऑटो वाला आपसे ज़्यादा 20 रुपये चार्ज कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चार्ज करना, इससे ज़्यादा आपको देना ही नहीं है। तो वहाँ आप उमराहा उतरिए, उमराहा उतरने के बाद सामने आपको मंदिर दिखेगा, आराम से आप जाइए दर्शन करिए, और बहुत खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। और अब बताता हूँ मैं आपको, जो फ्लाइट से आना चाहते हैं, जैसे जो एरोप्लेन वगैरह से आना चाहते हैं, तो उनको उतरना है बाबतपुर एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है बनारस में आपके बाबतपुर में। तो वहाँ आप उतरने के बाद वहाँ से आप फिर जो है वहाँ से ऑटो पकड़िए या अपना टैक्सी बुक करिए, डायरेक्ट आप उमराहा तक के लिए आ सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट उमराहा के लिए आती हैं। तो वहाँ पे आप उमराहा आ जाइए, फिर वहाँ से आप मंदिर देख सकते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बस के लिए, जैसे बहुत लोग लखनऊ वगैरह से बस पकड़ते हैं, तो बस पकड़ के आप आते हैं, तो आप आइए कैंट, कैंट जो है वहीं पर बस स्टैंड है, तो आप कैंट आइए। कैंट आने के बाद वहाँ से आप 30 रुपये फिर किराया दीजिए और आशापुर आ जाइए, फिर आशापुर से 10-20 रुपये किराया दीजिए, उमराहा बाज़ार पहुँच के आप, और फिर उमराहा बाज़ार आ जाइए। उमराहा बाज़ार पहुँचने के बाद सामने मंदिर आपको दिखेगा, तो आप दर्शन करिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मंदिर अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा कि जो भी देखना चाहते हैं आकर देख सकते हैं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।